भाई सैरी खत्म हो गई, सैरी खत्म हो गई। ओ भाई खाई रहेगा अभी तक। तो गाइस चेक करो हम कहाँ बैठे हैं। टाइम हो रहा है 3:15। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस आप देख रहे हो मेरे पीछे गुप अंधेरा है, और आज के व्लॉग की शुरुआत गुप अंधेरे से हो रही है क्योंकि मैं खड़ा हूँ अपनी छत पे। और आज है मतलब कल से रोज़ा है, रमज़ान शुरू हो चुका है, और आज है चांद रात। तो मैं चांद देखने के लिए आया हूँ। देखते हो अगर विजिबिलिटी है चांद, क्योंकि बहुत माइनर बारीक सा दिखता है। अगर दिखा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा, अगर विजिबिलिटी हुई तो। अभी तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया, कल से रमज़ान शुरू है और आज से नवरात्र भी शुरू होंगे। तो आपको नवरात्रों की भी और रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तब अल्लाह हम सबको रमज़ान के पूरे 30 के 30 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको रमज़ान की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। तो गाइस मैं चांद देख के मतलब दिखा नहीं, विजिबिलिटी नहीं थी इतनी, चांद नहीं दिखा मतलब। बट फाइनली ये है कि कल का रोज़ा है, रमज़ान शुरू हो गया है, और मैं फिर कहूँगा रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी एक्साइटमेंट लेवल इतना है मेरा, मैं बता नहीं सकता। मैं अभी अपने सभी महफिल वालों को फ़ोन करता हूँ, मिलेंगे, बहुत दिनों बाद मिलेंगे, सब बैठेंगे, बात करेंगे, और आप सबको दिखाएँगे, सबको रमज़ान की मुबारकबाद देंगे, अपनी महफिल वालों को सब। मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना रमज़ान की, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। करते हैं अपने अमजद भाई को फ़ोन और उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको कहाँ हो आप? अच्छा फैक्ट्री हो, तो कितनी देर तक आओगे फिर आप? चलो ठीक है, फटाफट पहुँचो। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। अगर आप सुन पा रहे हो ईशा की अजान हो रही है, सुकून से सुनते हैं। ईशा की अजान हो चुकी है, और ईशा की नमाज़ के बाद रमज़ान में तरावी पढ़ते हैं, जो कि 20 रकातों की होती है। तो अभी सब भाई मिलेंगे, तरावी पढ़ेंगे, और मतलब एक सुकून है बोलते हैं ना इसको, वो सुकून मिलता है रमज़ान में तरावी पढ़ के। तो भाई ईशा की नमाज़ पढ़ के फारिग हो चुके हैं, और ये खड़ी है अपनी महफिल। तो सभी महफिल वासियों को, ये भाई तो मैंने कॉल कर ली थी इनको, ये भाई भी मुझे पहले मिल गए थे, ये भाई मिले थे, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। कौन भाई नहीं है? शाकिब भाई नहीं? अच्छा आसिफ भाई कुछ कह रहे हैं? आसिफ भाई तरावी से अभी अभी जस्ट फारिग हुए थे, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। और अभी हम सब भाई जा रहे हैं कहाँ, थोड़ा सा मतलब लास्ट दिन है, मतलब इसके बाद मैं कहूँ नहीं घूमना हो पाएगा रमज़ान में, क्योंकि थके आ रहे हो गए सब रोज़े के बाद। तो अभी थोड़ा कुछ खा पी के आते हैं। और कुछ कहना चाहोगे अनस भाई? कह रहे हैं मैं इधर, मैं भी हूँ इधर, ये दिख रही जैसे विजिबिलिटी है अनस भाई। सबको तो सब भाइयों को एक बार फिर से रमज़ान मुबारकबाद। और अनस भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में घर बैठेंगे अभी जाके, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये बड़ा डोसा आ चुका है, ये दो भाई, ये भाई अंदर बैठे हैं, इनको खाना नहीं था। अपने अनस भाई, हर्ष भाई और हम एंजॉय कर रहे हैं डोसा। आफ्टर डोसा ये भाई अब शिकंजी का मन है, शिकंजी पीते हैं। वैसे पूरा रमज़ान अब शिकंजी पीनी है हमने, बाकी एक लास्ट बार इनका चिकन भी है, सोडा वाटर। सो गाइस चेक करो हम कहाँ बैठे हैं, और ये मतलब एंजॉय कर रहे हैं सब। हाँ भाइयों पीछे देखोगे एक बार सब, अमजद भाई आप ना देखियो, बस अमजद भाई आप गाड़ी चलाओ, आप ना देखियो, बाकी है बंदे देखने के लिए, 7 बंदे देखने के लिए, बाकी मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। आइसक्रीम भी खा ली, दिखा नहीं पाया आपको, इतने बड़े दाने हैं, फटाफट से खा के, फटाफट से तो खाई नहीं, बहुत टाइम तक खाई, मजे इंजॉय करें। चलो शहरी में मिलेंगे आपको। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अभी बज रहे हैं सुबह के 4, और मैं अपनी सहरी खा चुका हूँ, जिसमें मैंने 2 एग बॉयल खाए और हाफ फ्राई खाई। अब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे, उसके बाद फजर की नमाज़ होगी, और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद सुबह उठेंगे, और फिर आपको मिलेंगे। पूरे दिन का शेड्यूल क्या है आपको बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस टाइम बज चुके हैं 4, और सहरी का टाइम शुरू हो चुका है। मेरे अपने बच्चा उसने मुझे सहरी के लिए भी उठाया, और 4:40 पे सहरी होगी ख़त्म, और उस टाइम मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है, लेकिन क्या करें, सहरी तो खानी पड़ेगी।
माना कि पूरा दिन नहीं आप रख पाओगे रोज़ा, तो कोई नहीं सहरी करते हैं और फिर चलते हैं नमाज के लिए। आपको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से रमज़ान की पहली सहरी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको रमज़ान मुबारक की पहली सहरी मुबारक हो। और बस सहरी में मैं कुछ ज़्यादा कुछ खाता नहीं, थोड़ा बहुत ही खाता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप टाइम देखो, टाइम हो रहा है 3:15। गाइस टाइम हो रहा है रात के 3:15। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसे क्या हो गया, लगता है पागल हो गया है, इतनी रात को अकेला बैठा हुआ घर में टाइम दिखा रहा है। तो नहीं, हम पागल नहीं हुए हैं, ये खुशी है, खुशी। तो गाइस ये खुशी है, रमज़ान शुरू हो चुका है और रमज़ान शुरू होने की खुशी में हम रात को 3 बजे उठे हैं, क्योंकि रमज़ान में होती है सहरी और ये रमज़ान की पहली सहरी है। तो आप सभी लोगों को पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी आवाज़ सुन के अज़र भी थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, ये देखो ये बड़ा है अज़र। तो आप सभी लोगों को पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और गाइस मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैं तो उठ गया हूँ जल्दी, तो मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि तहज्जुद की नमाज़ ना पढ़ लिया करो, क्योंकि क्या होता है 10-20 मिनट अगर पहले उठ जाओगे और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लोगे तो सवाब ज़्यादा मिल जाएगा, तो पढ़ा करो। ठीक है गाइस, तो मैं आपको मिलता हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो जी नमाज़ पढ़ के तो मैं आ गया था और अब जा रहा हूँ मैं पापा का खाना देने, वो मैं आपको बताऊँगा घर जाके कि क्यों जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि पापा का खाना देने में क्यों गया था, क्योंकि पापा बैठे हैं 1 महीने के एतकाफ में मस्जिद में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एतकाफ होता क्या है। फिलहाल हो रहा है रोज़ा बंद होने का टाइम, तो इसलिए मैं पहले खाना खा लेता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ, क्योंकि 4:20 पे बंद है और 4:05 हो चुके हैं। ठीक है, मिलता हूँ मैं और बताता हूँ कि एतकाफ क्या होता है। और खाने में है आज अंडा करी, जो कि मैं खाता नहीं हूँ, देखता हूँ मेरे लिए क्या बनाया होगा। चलो चलते हैं। तो टाइम तो आपने देख ही लिया, सहरी का वक्त हो चुका है ख़त्म और अब हम रोज़े की नियत कर लेते हैं। आप भी कर लो मेरे साथ, बिसौमी गज़र नवई तुमी शहरी रमज़ान। तो देखते हैं आज हमारा इम्तिहान कैसा रहता है। मतलब पहला रोज़ा है तो थोड़ा वो नहीं होता, अब हमें 6:30 बजे तक कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना, ऐसे ही रहना है। और पहला रोज़ा है ना, बाकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चलो कोई नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा रहा हमारा पहला रोज़ा। और हाँ, 6:30 बजे सुबह के नहीं, शाम के 6:30 बजे तक, हाँ 7:30 बजे तक है शाम के, कभी दोस्त कभी सुबह तक, चलो कुछ नहीं है। ठीक है ना, सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है और अर्श भाई की ऑडियो आई है ग्रुप में। भाई सहरी ख़त्म हो गई, सहरी ख़त्म हो गई हो भाइयों, खाई रहेगा अभी तक कि सहरी ख़त्म हो गई है भाइयों, सहरी खा रहे होगा अब तक। अरे अर्श भाई अब तो फजर की अजान भी होगी, अब कहाँ खा रहे हो। तो गाइज बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं एकदम रेडी हूँ। एक्चुअली क्या ऑफिस के एक दो काम है उनको निपटाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। ये खड़ी है अपनी मस्तानी, इसकी डस्टिंग करते हैं और निकलते हैं फिर।